चुन्नी लाल बाबू, लोग शादी ब्याह में वैसे भी परेशान हो जाते हैं। क्यों नहीं बाबू? मैं भी थक गया हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। तो जय श्री अज्ञा बाबू। अपने हवेली में बैठकर शादी की खुशियां मना रहे हो और उधर अपने भाई के मरने का गम भूल गए दादर। लही जसवंत, ये दादर सिंह अपने भाई की मौत का गम मरते तब तक नहीं भूल सकता। मुझे बताओ, तुम बिमला को ब्याह कर ले आए? ले आया, लेकिन दादर अब उसके साथ में तुम सुहाग रात नहीं मनाओगे। सुहाग रात नहीं मनाऊंगा? नहीं दादर। तो फिर क्या करूं? तुम्हारी ससुराल में तुम्हारा छोटा सारा शंकर है ना? हाँ है। इसी वक्त तुम अपनी ससुराल वापस चले जाओ। अपनी ससुराल वापस चला जाओ? हाँ दादर। क्या करने? अपने छोटे साले शंकर को किसी तरह बलगला कर उसी रास्ते से लाओगे जिस जगह पर अपना भाई अरुण मारा गया है। उस जगह पर मैं तुमको मिलूंगा। आगे करना क्या है उसे मैं बताऊंगा। ठीक है जसवंत, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम इसी वक्त अपनी ससुराल जा रहे हैं और किसी भी तरीके से अपने साले शंकर को लेकर उसी रास्ते से आ रहे हैं। तुम वही मुलाकात करना। जाओ दादर, जाओ। खेल का मजा अब आएगा रे। अब आएगा बाबू? कहते हैं ना। क्या कहते हैं? खाओ कम, हाँ, खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम, लड़ाओ ज्यादा। आओ हम चलकर दादर का उसी जगह पर इंतजार करता हूँ जहां पर अपना अरुण मारा गया। आओ। शंकर। हाँ भैया। माँ बाजार गई है। हाँ भैया। और हम खेत पर जा रहे हैं। क्यों नहीं भैया? जब तक माँ बाजार से घर ना आ जाए तब तक तुम घर से कहीं नहीं जाओगे। ठीक है भैया, जब तक माँ बाजार से नहीं आ जाती और आप खेतों से नहीं आ जाते मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा भैया। हाँ शंकर, मैं यहीं पर आपका इंतजार करता हूँ बैठकर। घर पर ही रहना। ठीक है भैया। अरे शंकर। अरे जीजा जी आप? हाँ मैं। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जीजा जी बोलो। इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? अरे कुछ काम ही ऐसा पड़ गया, घर में माने ही नजर आ रही। जीजा जी माँ बाजार गई। और भैया?
भैया खेतों की तरफ गए जीजा जी। भैया खेतों की तरफ गए? हाँ जीजा जी। शंकर क्या बताऊँ यार, जब से तुम्हारी दीदी इस घर से विदा होकर के गई है तब से बेचारी ना कुछ खाती है क्या? ना कुछ पीती है, बस एक ही रट लगाए हुए है कि मुझे मेरे शंकर से मिला दो, मुझे मेरे शंकर से मिला दो, नहीं मैं जिंदा नहीं बचूंगी। क्या? हाँ शंकर, तू मेरे साथ चल, चलकर अपनी दीदी को धीर बंधा दे। जीजा जी, मैं इस वक्त घर से कहीं नहीं जा सकता जीजा जी, क्योंकि माँ बाजार गई है और भैया खेतों की तरफ गए हैं, घर में कोई है नहीं जीजा जी, मैं नहीं जा सकता इस वक्त जीजा जी। अरे शंकर जरा सोच, माँ बाजार गई है, बाजार से वापस आ जाएगी, भैया खेत पर गए हैं, खेत से वापस आ जाएंगे, लेकिन सोच शंकर, अगर तेरी दीदी इस दुनिया से चली गई तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जी। क्या तू अपनी दीदी से प्यार नहीं करता? करता हूँ जीजा जी। तो फिर मेरे साथ चल शंकर, अपनी दीदी को धीर बंधा दे, चल। ठीक है जीजा जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, जब माधको बाजार आ रहे भले मुझे मेरे घर पे छोड़ देना मेरे जीजा जी। कोई बात नहीं, हम माँ और भैया के आने से पहले तुझे घर छोड़ जाऊंगा। ठीक है जीजा जी, चलिए आओ। आओ शंकर, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। हाँ जी जल्दी चलो। क्या बात है शंकर, तुम इस जगह रुक क्यों गए? जीजा जी, कोई दूसरे रास्ते चलिए जीजा जी, मुझे एक रास्ते से डर लगता है जीजा जी। इस रास्ते से डर लगता है? हाँ जीजा जी। लेकिन क्यों? जीजा जी, आप जानना ही चाहते हैं। हाँ जानना चाहता हूँ, आखिर तुझे डर क्यों लग रहा है? एक दिन की बात है, मेरी दीदी कॉलेज जा रही थी और एक अरुण नाम का लड़का मेरी दीदी को छेड़ रहा था। हमारे भैया ने उसको आकर समझाया पर वो नहीं माना, फिर हमारे भैया ने उसको इसी जगह पे पटक पटक कर उसका गला दाब कर मार डाला जीजा जी। यानी इस जगह पर तुमने और तुम्हारे भैया ने अरुण नाम के लड़के का खून किया है? हाँ जीजा जी। और इसलिए कि वो तुम्हारी बहन को छेड़ रहा था? हाँ जीजा जी, वो हमारी दीदी को छेड़ रहा था, इसीलिए हमारे भैया ने उसको मारा। और तुम लोगों को कुछ हुआ नहीं? किसी ने देखा नहीं जीजा जी, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोग बच गए जीजा जी। यानी किसी ने देखा ही नहीं? हाँ जीजा जी। तो किसी ने नहीं देखा इसलिए तुम बच गए? हाँ जीजा जी। लेकिन क्या जानते हो कि जिस अरुण को तुमने और तुम्हारे भाई ने मारा है वो कौन था? मुझे क्या मालूम जीजा जी। मैं बताऊं वो कौन था? आखिर कौन था जीजा जी वो? शंकर।
हाँ जीजा जी, वो अरुण सिंह कोई और नहीं बल्कि इस ठाकुर दादा सिंह का भाई था। क्या और आज जिस तरह तूने और तेरे भाई ने मेरे भाई को इस जगह पटक पटक कर मारा है, उसी तरह आज मैं तुझे इसी जगह पटक पटक। अबे साले शंकर, अबे साले शंकर, सुन बातें हमारी। अबे साले शंकर, अबे साले शंकर, सुन बातें हमारी और कजा आ गई। नहीं जीजा जी, और कजा आ गई साले सकर तुम्हारी कजा। यही पर मेरा भाई अब मारा, यही पर मेरा भाई मारा गया है, इसी जगह में। और यही जान जाएगी, और यही जान जाएगी अब संगत तुम्हारी। यही आज मेरे हाथों तू भी इसी जगह मारा जाएगा। मेरे जीजा जी कहे सनगमा सुनाया, मेरे जीजा जी कहे सनगमा सुनाया, बातें तुम्हारी समझ में ना आया, बातें तुम्हारी। नहीं करो धोखा मेरे साथ जीजा, नहीं करो धोखा मेरे साथ जीजा, विश्वास के आप के साथ आया, विश्वास। नहीं जीजा जी, और आज अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। आज तुझे मारकर अपने भाई अरुण की आत्मा को चुनीलाल शंकर वहां भाग के जाना नहीं चाहिए। भाग, आज तेरे भागने के लिए जमीन कम पड़ जाए। दादर तुम्हें
कर रहे हैं। दादाजी एक दिन की बात है, मेरी दीदी कॉलेज जा रही थी और एक अड़ नाम का लड़का मेरी दीदी को छेड़ रहा था। हमारे भैया ने उसको आकर समझाया पर वो नहीं माना। फिर हमारे भैया ने उसको इसी जगह पे पटक पटक कर पटक पटक कर पटक पटक कर उसका गला दाब कर मार डाला। इसीलिए जीजा जी मार रहे हैं। लेकिन तुम लोगों को आज तक कुछ हुआ नहीं? किसी ने देखा नहीं दादाजी। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि वह अरुण किसका भाई था? मुझे क्या मालूम, वो किसी और का नहीं बल्कि दादर और जसवंत सिंह का भाई था। साले दादर, यह वही जगह है, इस राम दादा को इसी जगह पर खत्म कर दो। मुनीलाल और चुनीलाल पकड़ो शंकर भागो। मर गया साला। ओए इसकी लाश को उठाओ और उठाओ इसको और इसको लेकर चलो हम लोगों के साथ। चलो जैसो शंकर कहां चला गया, नसिया में पता है शंकर को पता। मां शंकर कहां गया? मां हमें क्या मालूम कहां गया कहां नहीं, अभी तक हमको लगता है स्कूल से नहीं आया। मां आज मैं सब कुछ समझ गया हूं, शंकर बहुत घूमने लगा है। क्या? हां मां, मैं उसे घर पर बिठा कर गया था और बताया था कि जब तक मां ना आ जाए घर से कहीं नहीं जाना। फिर कहां चला गया वो? वो घूमने गया है। क्या? हाँ माँ, आज मैं शंकर को जरूर मारूंगा माँ। अरे नहीं बेटा, बच्चा है समझ जाएगा। कब समझेगा, यही कह के रोज हर बात को टाल देती है। आज मैं उसके गाल पर दो चार चाटे जरूर लगाऊंगा। नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं कहना, अभी बच्चा है समझ जाएगा। मारूंगा मैं उसे, नहीं मारूंगा, उसे कुछ नहीं कहना। क्या बात है जसवंत, वो देखो डर है। अरे जसवंत, ये तो हमारा बड़ा साला श्यामू है और वो इसी रास्ते पे आ रहा है। एक काम करो, इस लाश को इसी रास्ते पे छोड़ दो और आओ छुप कर देखते हैं कि श्यामू शंकरवा की लाश को करता क्या है। चल बड़े बात आओ। शंकर, अरे कहां है तू शंकर? शंकर नहीं, भगवान
भाई को। मार कर भाई को मेरे किसने गिराई काज है, मार कर भाई को मेरे किसने गिराई गाज है, और कुछ समझ ना रहा भगवान ये कैसी राज है। किसका तूने क्या बिगाड़ा दे बता भाई मेरे, और ना समझ कुछ भी ना समझा ले ली तेरी जान है। क्या जवाब दूंगा शंकर? अरे जसवंत, ये समुआ तो शंकरवा की लाश को लेके घर जा रहा है। जसवंत एक काम करो, आज तक तुमने जो कहा वो हमने किया, किया तूने, लेकिन आज से जो मैं कहूंगा वो तुम लोग करोगे। बाल मुझे करना क्या है? इस वक्त करना तुमको नहीं, इस समय जरूरत मुन्नीलाल की है। मुन्नीलाल क्या बात? इससे पहले कि श्यामू शंकर की लाश को लेकर घर पहुंचे, उसके घर तुम पहुंच जाओ जी। घर में उसकी मां सुनीता होगी, उससे जाकर कहना कि श्यामू ने जायदाद के लालच में आकर शंकर को जान से खत्म कर दिया। और बता देना कि श्यामू कह रहा था कि हमारे पास 2 बीघे जमीन है, अगर शंकर जिंदा रहेगा तो 1 बीघे जमीन का मालिक शंकर बन जाएगा। उसी गुस्से में उसने शंकर को जान से खत्म कर दिया जी। एक बात और कह देना कि श्यामू ये भी कह रहा था कि एक दिन अपने बहनोई दादर सिंह को मारकर अंबानगर का जमींदार बनूंगा जी। हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। मालिक यह सब हम जाके बता दिया, भड़का दे। हाँ हमका मिली का क्या चाहिए तुम्हें? अरे गरीब मने कुछ मिल जाए तो इतना काम करके आ साले। ओ बाबू मिली कब? सुबह मिल जाएगा रे। हाँ बाबू डीजल भर कर दे दियो। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। जसवंत अब मुन्नीलाल के आने का इंतजार करते हैं।